हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नीबोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 जीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे और साथ ही आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको ये आंसर बताना है। आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको चैनल आपको पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है और लगता है ये नॉलेज आपके काम का है, तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथलेटिक में प्रयोग होने वाले जूतों को हम क्या कहते हैं? और ऑप्शंस हैं हाइकर्स, स्नीकर्स, रनिंग शू। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, का सही आंसर है स्नीकर्स। एक्चुअली एथलेटिक शूज को स्नीकर्स कहा जाता है क्योंकि जब उनका आविष्कार किया गया था तो लोग इसे चुपचाप घूमने के लिए अपने फायदे के लिए इसको यूज करते थे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। ओलंपिक रिंग में कौन सा रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं नीला, हरा, पीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है पीला। एक्चुअली ओलंपिक में 5 इंटरलॉकिंग रिंग होते हैं, आपको पता ही होगा। और ये रिंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, विश्व के जो अलग अलग महाद्वीप हैं, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, उन सबको रिप्रेजेंट करती हैं। नीले रंग की जो रिंग होती है वो यूरोप के लिए, लाल अमेरिका के लिए, पीला एशिया के लिए, काला अफ्रीका के लिए, और हरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मुझे लगता है आपको ये पता होगा। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। और इसका जो सही आंसर है वो है वॉलीबॉल। दोस्तों, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल होता है। हालांकि श्रीलंका में क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन श्रीलंका की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे पुराना क्लब का नाम क्या है? फुटबॉल क्लब का हम बात करें। और ऑप्शन है आर्सेनल, शेफील्ड, लिवरपूल। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका जो सही आंसर है वो है शेफील्ड। दोस्तों, शेफील्ड यूनाइटेड किंगडम का फुटबॉल क्लब है और यह शेफील्ड साउथ यॉर्कशायर एक जगह है यूके में, हालांकि अब उसको ड्रोनफील्ड डर्बीशायर के नाम से हम जानते हैं। तो वहां के यह सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पतंगबाजी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट है? ऑप्शंस है थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। आपका टाइम होता है 3 सेकंड का शुरू अब। और इसका जो सही आंसर है वो है थाईलैंड। दोस्तों, थाई समाज में लंबे समय से पतंगे काफी फेमस रही है। सुखोथाई काल के बाद से जो राजा राम कहेंग थे उन्होंने पूरी तरह से पतंगबाजी का समर्थन किया, इसलिए पतंग थाई संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा बन गया। थाईलैंड में पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थल सनम लुआंग एक शाही मैदान है जिसका उपयोग 1855 से बैंकॉक में किया जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विंबलडन स्पर्धा में पहली बार पीले रंग की टेनिस बॉल कब प्रयोग की गई? इसका आंसर काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। 1982, 1986, 1978। आपका टाइम शुरू होता है अब। और इसका जो राइट आंसर है वो है 1986। और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या था, 86 के पहले जो वर्ल्डन में व्हाइट कलर की बॉल का यूज हुआ करता था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में व्हाइट कलर की बॉल ज्यादा अच्छे से दिखाई देती थी, बट कलर टीवी के आने के बाद से येलो कलर की बॉक्स, लेमन येलो कलर की जो बॉल्स हैं वो शुरू हो गई 1986 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल्फ की बॉल में कितने हिलकोरे या डिंपल्स, मतलब जो खोखलापन होता है, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स जैसे खोखले, कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 336, 452, 228, 336, 452, 228। टाइम शुरू होता है आपका अब। और इसका जो सही आंसर है वो है 336, 336 इसका सही आंसर है। वास्तव में जो गोल्फ की बॉल होती है उसमें इस तरह के जो खोखले या डिंपल्स बने होते हैं, ये बेसिकली उसको हवा में जब आप उसको हिट करते हैं तो और उसको ज्यादा वेग प्रदान करते हैं और ज्यादा इस सटीक शॉट में सटीकता लाने में इसकी हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक फुटबॉल बनाने में कितने चमड़े के टुकड़े प्रयोग होते हैं? ऑप्शंस हैं 52, 32, 22। टाइम शुरू होता है आपका अब। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 32। दोस्तों, फुटबॉल में जो हम पैनल्स देखते हैं, जो छोटे छोटे चमड़े के जो टुकड़े होते हैं, वो वाटरप्रूफ होते हैं और इनमें टोटल 32 पैनल होते हैं, जिसमें कि 12 जो होते हैं वो पेंटागन्स होते हैं और 20 जो होते हैं वो हेक्सागन्स होते हैं। सबसे पहले ये जो 32 पैनल की बॉल है, फुटबॉल है, वो डेनमार्क में 1950 के दशक से इसका जो है शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा खेल है जो पृथ्वी के बाहर खेला जा चुका है? काफी इंटरेस्टिंग है, कोशिश कीजिए आंसर देने की। पहला गोल्फ,
दूसरा हाई जंप या ऊंची कूद, तीसरा दौड़ या रनिंग या एथलेटिक्स की हम जब बात करते हैं। ऑप्शंस से पहले बात आपका शुरू होता है टाइम। दोस्तों इसका सही आंसर है गोल्फ। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, गोल्फ एक ऐसा खेल है जो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के अलावा पृथ्वी के बाहर खेला गया। एक्चुअली यह चंद्रमा में खेला गया था 1971 में, जब अंतरिक्षयान अपोलो 14 वहां था, तो वहां उसके एक सदस्य ने चंद्रमा पर गोल्फ खेली थी और जैसे ही उन्होंने गोल को मारी तो वो इतनी तेजी से आगे गई कि उनके मुंह से निकला था माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स। और हम आते हैं आज के लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, जो कि काफी नया है, लेटेस्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने 60 साल क्रिकेट खेली है और 85 साल की एज में वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, अभी जब मैं ये रिलीज कर रहा हूँ वीडियो तो लेंगे, और लेकिन जब तक हो सकता आप देखें तब तक रिटायरमेंट वो ले चुके होंगे, तो आप प्लीज इसका नाम देने की बताने की कोशिश करें अगर आप जानते हैं तो। ऑप्शंस आपको मैं देता हूं, क्रिस राइट, ग्रेग राइट, सेसिल राइट। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेसिल राइट। हाँ दोस्तों, सेसिल राइट बेसिकली वेस्टइंडीज मूल के एक फास्ट बॉलर हैं, तेज गेंदबाज हैं, और ये 1959 से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं वेस्टइंडीज की ओर से और लगातार ये 60 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली है और ये वेस्टइंडीज के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स इन सब के साथ खेल चुके हैं और 7 सितंबर 2019 को ये लास्ट मैच खेलेंगे और ये उनका रिटायरमेंट का डेट होगा, उस दिन वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जीके के सवालों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।